बात जो आपसे करनी थी वो ये करनी थी कि पहले आप लोगों के दिल मजबूत होंगे तो बच्चा आपका स्विमिंग सीख सकता है। अगर तो आपके दिल मजबूत नहीं है, आप समझ में कितना आज लेकर आएंगे वैसे ही 20 क्लास या 9 क्लासेस पूरी होंगी और आप जो है। अच्छा, हमारा फोकस, हमारा एम ये होता है कि आपने एक हैवी अमाउंट पे किया, ये बात हर जगह नहीं करता, लेकिन हकीकत बात ये सर खड़े हुए आप लोगों ने एक हैवी अमाउंट पे किया, तो हम नहीं चाहेंगे आपका वो हैवी अमाउंट जो आपने पे किया वो किसी किस्म से ज़ाया हो। हमारी पहले दिन उठा के फेंकने का बच्चों का क्या मकसद है, किसी न किसी हद तक इनका फेयर ख़त्म है। जब तक बच्चे में फेयर ख़त्म नहीं होगा, स्विमिंग स्किल्स की तरफ वो नहीं इम्प्रूवमेंट कर सकता। मैं बहुत सारी वीडियोज़ हैं आयरन फिटनेस सेंटर के अंदर, पहले दिन माँ बाप रो रहे थे, आज वो माँ बाप दुआएं दे रहे हैं। थोड़ी सी इसकी एक दो क्लिप आपको दिखाता हूँ, उनके रोते वक्त की भी मेरे पास है और उनके बाद जब वो कर रहे हैं उनके पेरेंट्स का फीडबैक भी मेरे पास है। और ये अभी भी रो रही है, लेकिन देखिएगा कर क्या रही है और उनके पेरेंट्स क्या हो रही है। ये पहले फ्लोटर्स के साथ रोती भी फेंकते थे इसको, आज इसका डर खत्म हुआ, एक फ्लोटर उतारा, फिर और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई कि इसके ऊपर दूसरा फ्लोटर आ रहा है, आज ये बच्ची फ्लोट कर रही है। और इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसको टाइम हुआ गालिबन 7 से 8 दिन बस। ये छोटी बच्ची है, अच्छी अभी भी रो रही है, बच्चा अब तक रो रहा है, लेकिन उसके पेरेंट अब खुश है और बच्चे अपने आप को सेव करके रोती भी सेव कर रही है। ये देखें, देख रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपका बच्चा बन सकता है, लेकिन अगर आपका हमारे साथ कॉपरेशन रहा, ये कल, ये आज ये बच्ची मेरे कैमरे पे, कल आपकी बच्ची कैमरे पे होगा, देख रहे हैं, आज ये बच्ची कैमरे पे, कल इंशाल्लाह हम कहीं और इंटरव्यू दे रहे होंगे तो आपकी बच्ची की वीडियोस उन लोगों को दिखा रहे होंगे। और ये एक एज अ पेरेंट बहुत फखर की बात है, और ये ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे हमारे पास लात आदात केस है। ठीक है, चुके पाएंगे, बैठ के पाएंगे, बिल्कुल बात सही है आपकी। एक छोटी सी एक और क्लिप है, ये देखें, ये छोटा सा बच्चा, माशाल्लाह इतना फुर्तीला बच्चा है ये, आयरन फिटनेस को रिप्रेजेंट मैं खुद कर रहा हूँ।